न्यूज 14 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। हमारे बच्चे लोग रक्षा चलाते हैं, वो 12 के पैसे गया, इसका भाई जाने वाला था नहीं रखा, वो बोला हम जा कहलाएगा। हम भी पान को दुकान पर बैठा है, जब देख रहा है 5 जन हमारे बच्चों को घेरा है, सांस नहीं लेने दे रहा है उसको, और रक्षा में ऐसे उसको मुंडी लेकर रक्षा में घुसा रहा है। वो लोग कौन थे? वो 5 लोग, वो लोग दुविता है घूम छा डिटेक्शन, यही शांति नगर के हैं, पहचानते हैं हम, हाँ वहीं से 5। और छोड़ो छोड़ो, हमारे बच्चा मर जाएगा, छोड़ो छोड़ रहा है नहीं, दबोच के रखे थे कि वो सांस नहीं ले पा रहा था। मैं जब वहाँ भागा, मेरी माँ आई, मेरी भाभी आई, तो इनके ऊपर भी वो लोग ने हाथ छोड़े। मैंने वहाँ बहुत रिक्वेस्ट किया कि क्या हुआ कुछ। भिवंडी पीरानीपाड़ा इलाके में पुलिस कार्यवाही के वक्त शख्स की मौत। आप देख रहे हैं न्यूज 14 ऑनलाइन मीडिया और मैं हूँ सैयद नकी हसन। ठाणे जिले के भिवंडी शहर के पीरानीपाड़ा स्थित ईरानी बस्ती में रहने वाले मृत व्यक्ति के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कार्रवाई करने आई पुलिस और आरोपी के बीच नोकझोंक हुई, जिसके बाद आरोपी की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान सादिक कंबर अली जाफरी के तौर पर हुई है। सादिक कंबर अली जाफरी के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पकड़ने आए पुलिस अधिकारियों ने सादिक जाफरी को दबोच लिया, जिस कारण से उसकी मौत हुई है। वहीं भिवंडी जोन 2 के DCP योगेश चौहान ने आश्वासन दिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो बात सामने आएगी उस हिसाब से दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। पेश है ये रिपोर्ट। सादिक कंबर अली जाफरी करके जो 30 साल का युवक है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली कि क्योंकि इसके खिलाफ जो है खड़क पाड़ा पुलिस स्टेशन और जगह पे कुछ गुने के मामले दर्ज थे। शांतिनगर के DB के लोगों को पता चला कि भाई इस तरीके से वो बाहर से आ रहा है, उनको पकड़ने की कोशिश की, वहाँ पे उनकी छटपट हुई और फिर होने के बाद जो है उसके घर के लोग ही उसको लेके गए। फिर बाद में पता चला कि भाई वो हलचल नहीं कर रहा है, कुछ उसका अनकॉन्शियस है, और बाहर से पता चला कि वो मर गया। उस हिसाब से इमीडिएट हमारी पुलिस वहाँ पे पहुँची, हमारे जो सीनियर पीटर है शांतिनगर के राउत साहब, उसके बाद हमारे ACB ईस्ट जो है प्रशांत ढोले साहब, वड़के साहब, वो पहुँचे और वहाँ पे उसकी बॉडी मिली। और बॉडी मिलने के बाद उसको ताबड़तोब IGM में अगला ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया और ऐसा पता चला कि भाई उसकी सांसें रुक गई है और वो मर गया है। तो यहाँ पे डिसाइड किया गया, इनके रिश्तेदारों ने कहा कि भाई जो है कुछ एलिगेशंस किए, तो हिसाब से हम सभी जो हमारे सुपीरियर ऑफिसर से डिस्कशन करके किया कि ये जो इसका पोस्टमार्टम है वो JJ हॉस्पिटल में करना है। वो हिसाब से हमने जो बॉडी है उसके रिश्तेदारों के साथ JJ हॉस्पिटल में PM के लिए भेजी है। PM रिपोर्ट में जो भी कुछ आएगा वो हिसाब से अगली कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि पुलिस वालों की मार के वजह से उनकी मौत हुई। नहीं, अभी इसका छानबीन चल रही है, अगर PM रिपोर्ट में ऐसा कुछ आता है तो निश्चित तौर पे उनके ऊपर संबंधित जो कुछ है, जो अधिकारी है कर्मचारी, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।